सेकेंडरी स्कूल फॉर किड्स पीयू पेरेंट्स में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है कि वो सेमेस्टर वाइज कंडक्ट की जाती है। जैसे कि एक सेमेस्टर में दो बार की जा सकती है या बच्चे की रिपोर्ट कार्ड दिखानी होती है तब पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई जाती है या बच्चे ने कुछ ऐसा किया हो तब बुलाया जाता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो मेरा आज का जो वीडियो वो है कि 23 ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप उनकी क्लास टीचर से पूछकर बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि बच्चे का इमोशनली बिहेवियर कैसा है, वहां पर सोशली बिहेवियर कैसा है और एजुकेशन बिहेवियर उसका स्कूल में कैसा है। क्योंकि बच्चे घर में तो अलग बिहेवियर करते हैं, स्कूल जाते हैं तो वहां अलग बिहेवियर करते हैं। कुछ बच्चे घर में तेज बोल रहते हैं और स्कूल जाते ही डप्पू हो जाते हैं। कभी कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, घर में सब बताते हैं, स्कूल में जाके नहीं बताते हैं। और टीचर्स बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं जब बच्चा उनकी बात को नहीं मानता है या कोई ऐसा मुद्दा उभर के आता है जो क्लास स्कूल के लिए सही नहीं है, स्कूल के रूल्स से रेगुलेशन के अपोजिट होता है, तो टीचर्स ऐसा क्या एक्शन लेते हैं उस समय, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वही 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप उनको उनके टीचर से पूछिए और बच्चे के बारे में जानिए कि बच्चा कैसा है। क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि आप बच्चे को घर में कैसे ट्रीट करें कि बच्चा आगे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल बटन होगा जिससे आप जरूर क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में पता चलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकमेंड सम एक्टिविटीज टू सपोर्ट एंड पॉलिश माई चाइल्ड्स लर्निंग। आप बच्चे के टीचर से पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ को रिकमेंड कर सकती हैं जो मेरे बच्चे को सीखने की क्षमता को और बढ़ा सके और उसे अच्छा कर सके। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ स्टडीज़ एट विच अवर चाइल्ड शुड बी परफॉर्मिंग। आपके यहाँ स्टडीज़ का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है जिस पर मेरे बच्चे को परफॉर्म करना चाहिए। कैन यू डिस्कस द एरियाज इन विच माई चाइल्ड इज़ फॉलिंग शॉर्ट। क्या आप उन क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं जिनमें मेरा बच्चा कमजोर है, वीक है। विच सब्जेक्ट आर द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर माई चाइल्ड। मेरे बच्चे के लिए कौन सा विषय बहुत चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। इज माई चाइल्ड फेसिंग डिफिकल्टीज ऑन जस्ट टेस्ट और विथ स्कूल वर्क इन जर्नल। क्या मेरा बच्चा स्कूल टेस्ट में या फिर किसी स्कूल वर्क में किसी डिफ़िकल्टीज को फेस करता है, वो ठीक से नहीं कर। हैव यू नोटेड इफ़ माई चाइल्ड इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू अ सर्टेन टाइप्स ऑफ टीचिंग। कैन यू सजेस्ट वॉट वी कुड डू टू इम्प्रूव द एरियाज वेयर माई चाइल्ड इज़ लैकिंग। क्या आपने नोटिस किया है कि मेरे बच्चे को किस तरह से पढ़ाना उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि उस पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए उसकी इस कमी को दूर करने के लिए। व्हाट सपोर्ट स्ट्रक्चर इज गिवन टू हेल्प माय चाइल्ड कीप अप देयर क्लासमेट्स। मेरे बच्चे को उनके फ्रेंड के साथ या सपैटियों के साथ साथ रखने में मदद करने के लिए क्या समर्थन संरचना दी गई है। हाउ डज द क्वालिटी ऑफ माई चाइल्ड्स वर्क कंपेयर टू हिज एबिलिटी। मेरे बच्चे के काम की गुणवत्ता या उसकी क्षमता की तुलना कैसे करती हैं। हाउ वुड यू से माई चाइल्ड मैनेज देयर टाइम। आप कैसे बता सकती कि मेरा बच्चा काम के प्रति प्रतिबंधित है या मतलब मेरे काम वो अपने काम को टाइम से कर सकता है या नहीं करता है या नहीं। आर देयर एनी चैलेंजेस यू आर फेसिंग विद टीचिंग माई चाइल्ड। क्या आपको मेरे बच्चे को पढ़ाने में किसी प्रॉब्लम या किसी चैलेंज को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सोशल हैं, मतलब कि बच्चा स्कूल में जाता है तो अपना सोशली कैसे इंटरेक्ट है स्कूल से, उस पर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ माय चाइल्ड एटीट्यूड लाइक इन द क्लास। मेरे बच्चे का रवैया क्लास में कैसा है। हाउ इज चाइल्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस विद हिज पीयर्स। जो मेरे बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनके साथियों के साथ कैसा है। डज द टीचर्स थिंक दैट माई चाइल्ड इज हैविंग ट्रबल सोशलाइजिंग। क्या टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को सोशल होने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं या सोशल नहीं हो पा रहा है। वॉट कैन वी डू टू हेल्प माई चाइल्ड मेक फ्रेंड्स एंड इंटरेक्ट मोर प्रोडक्टिवली।
हम अपने बच्चे को और कैसे प्रोडक्टिवली, मतलब कि किसी से इंटरेक्ट करना, अच्छे फ्रेंड बनाना, उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? आप मेरे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप टीचर से पूछ सकते हैं। इज़ माई चाइल्ड कीपिंग अप विद स्कूल्स करिकुलम? क्या मेरा बच्चा स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ रहता है, जो स्कूल का करिकुलम है उसके साथ वो काम चल रहा है? व्हाट कैन वी डू टू एट होम टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन एकेडमिकली? जो जो शिक्षा के लिए जो एक्सपेक्टेशन है स्कूल की, उसको बनाए रखने के लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं? हाउ ऑफन डू यू शेड्यूल टेस्ट? व्हाट इम्पैक्ट डू दोज ग्रेड्स हैव ऑन माई चाइल्ड एकेडमिक फ्यूचर? आप कितनी बार परीक्षा की जो अनुसूची उसको बनाते हैं, उसको करते हैं, परीक्षा करते हैं, और उसमें जो ग्रेड मिलते हैं उसका जो ग्रेड है वो मेरे बच्चे एकेडमिक फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द स्कूल्स अप्रोच टूवर्ड ए होमवर्क? हाउ आर दे रिफ्लेक्टिंग ऑन माई चाइल्ड प्रोग्रेस? होमवर्क के लिए स्कूल का दृष्टिकोण क्या है, वे मेरे बच्चे की प्रगति पर कैसे इफेक्ट? व्हाट कैन वी डू टू हेल्प यू आउट एंड वर्क टुगेदर टू हेल्प माई चाइल्ड ग्रो दिस ईयर? इस साल मेरे बच्चे को बढ़ने मदद करने के लिए हम आपकी मदद करने और मिलकर काम करने के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट इज योर प्रिफर्ड टीचिंग स्टाइल? व्हाट मेथड कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट होम टू बी कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ योर्स? आपकी जो शिक्षा की जो स्टाइल है, टीचिंग जो स्टाइल है वो क्या है, घर पर आपके साथ सुसंगत होने के लिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए किन तरीकों को लागू किया जा सकता है, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करें? व्हाट इज द स्कूल पॉलिसी ऑन बुलिंग? हाउ डू वी टैकल इफ सच सिचुएशन इज टू कम अप? जैसे कोई गलत स्कूल की जो पॉलिसी होती है उस पर कुछ गलतियां, या स्कूल की नीति धमकाने पर क्या है, धमकाने पर स्कूल की नीति क्या है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उससे कैसे निपटेंगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थे मेरे 23 ऐसे क्वेश्चंस जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप उनके टीचर से ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।